सीढ़ी वायरिंग के सेकेंड टाइप का प्रैक्टिकल करा रहे हैं। सेकेंड टाइप क्या होता है, इसमें क्रॉस वायरिंग करते हैं। फर्स्ट टाइम मैंने बताया था वो पट वायरिंग होती है और ये है क्रॉस वायरिंग। क्रॉस वायरिंग होगा क्या, ऊपर वाले में फेस देंगे और स्विच की, हमारा टू वे स्विच लगता है फर्स्ट फ्लोर पे और ग्राउंड फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर की बात करें सबसे निचला वाला और फर्स्ट फ्लोर एंड लास्ट फ्लोर जहाँ पे अंतिम होगा वहां पर, तो दो होते हैं हमारे। इनमें सीढ़ी पे वायरिंग की जाती है, मैंने पहली वीडियो में बता रखा है। अब यहाँ मैं कनेक्शन बता रहा हूँ कैसे करना है। तो टू वे स्विच मैंने दो प्रयोग किया है, एक पहले पे और एक दूसरे के लिए, मतलब एक ग्राउंड फ्लोर के लिए और एक फर्स्ट फ्लोर के लिए दो स्विच प्रयोग किए हैं। स्विच के ऊपरी सिरे में फेस दिए हैं, निचले सिरे में न्यूट्रल दिए हैं और यहाँ पर क्या किए हैं, यहाँ पर निचले में था न्यूट्रल उसको यहाँ पर ऊपर में न्यूट्रल कर दिया गया है। यहाँ पर ऊपर में फेस था उसको नीचे में फेस कर दिया, यानी कि ये वायरिंग जो है ये क्या करे, दूसरे को क्रॉस करे, इसलिए इस वायरिंग को क्रॉस वायरिंग के नाम से भी जानते हैं। बीच वाले में से हमने बल्ब होल्डर को सप्लाई दे दिया। यहाँ कंडीशन क्या है, पहला स्विच ऑन दूसरा भी ऑन होगा तो बल्ब जलेगा, पहला स्विच ऑफ दूसरा भी ऑफ होगा तो बल्ब बुझा रहेगा, है ना। यानी कि उस वायरिंग से बिल्कुल डिफरेंट, पहले वाले में था एक ऑन एक ऑफ पे बल्ब जलेगा, है ना, और इसमें दोनों ऑन दोनों ऑफ पे बल्ब जलेगा, उसमें दोनों ऑन दोनों ऑफ पे बल्ब बुझा रहता था, तो उसके सेम विपरीत ये है। चलिए इसका कनेक्शन फटाफट से कर लेते हैं। यहाँ ध्यान से देखिए, मैंने कुछ वायरिंग कर रखा है, ये जो ये आपका दिख रहा है ना, ये वाला ऑलरेडी मैंने यहाँ पर देखिए दे रखा है। तो मैंने फेस यहाँ पर इनपुट किया ऊपर वाले में, न्यूट्रल इनपुट किया नीचे वाले में, तो यहाँ पर जो ऊपर वाले में इनपुट किया है ना उसके नीचे वाले में कर देंगे, है ना। तो आप मैंने अभी सीधा कर रखा है, इसको हम तुरंत उठाएगा। देखिए यहाँ पे इधर ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए यहाँ पर लिखा है कंपनी का नाम, जैसे जो भी कंपनी का नाम लिखा है ये इस साइड कंपनी का नाम है, तो इधर हमारा रेड वाला लगा हुआ है, तो उधर कंपनी के नाम की तरफ क्या लगाएंगे, रेड वाला लगा करके एल वाला, देखिए एल वाला नीचे है ना, इसको ऊपर कर देंगे उधर और नीचे, यानी कि क्रॉस कर देंगे। यहाँ ध्यान देखिए, यहाँ भी कंपनी का नाम लिखा है ना यहाँ पे, और मैंने ऊपर क्या डाला है रेड, तो इस रेड को नीचे कर दूंगा और इसको ऊपर, तो क्रॉस हो जाएगा ना, रख दे, बस इतना सही करना है। ये निकाल दिया मैंने, देखिए ध्यान से, और इसको भी निकाल दिया। बीच वाले में से देखिए, हमने यहाँ भी बल्ब होल्डर को दिया है यहाँ से इस तरीके से, और सेम यहाँ भी हमने वही किया है इस बीच वाले से। ये देखिए यहाँ से जा रहा है हमारा, ये बीच वाला है और बीच वाले से ये बल्ब होल्डर सप्लाई आ रहा है, बस इस तरह से। चलिए तो इसको निकाल करके ऐसे सेम आराम से ऊपर डाल देंगे, यहाँ पे इसको ऊपर डाल देंगे और इसको नीचे लगा देंगे इस तरह से। ये हो गया वायरिंग बिल्कुल कंप्लीट। अब हमको चेक करना है कि काम करता है कि नहीं दोनों ऑन। देखिए ध्यान से, यहाँ लिखा है ना नाम कंपनी का, ध्यान से देख लीजिए कंपनी का नाम लिखा है और यहाँ पर मैंने येलो वाला इनपुट किया है, जिधर नाम नहीं लिखा उधर रेड वाला, और यहाँ देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर नाम लिखा है ना कंपनी का, तो जहाँ पे नाम लिखा है वहाँ देखिए रेड वाला इनपुट किए हैं, और जहाँ पे नाम नहीं लिखा है वहाँ पे इधर तुम्हारा इनपुट है ये वाला, जिन न्यूट्रल आ रहा है फेस आ रहा है, बट यहाँ पे देखिए येलो वाला मैंने इसमें ही डाल रखा है, दिख जाएगा आपको। देखिए यहाँ पे तो नीचे वाले में मैंने क्या किया, येलो वाला वायर यहाँ पे डाला और वहाँ पर ऊपर वाले में, मतलब यहाँ पर जो नीचे है इसमें ऊपर, जो ऊपर है इसमें नीचे, ऐसे ही करना है जैसे वहाँ पर बोर्ड पर है सेम वही कनेक्शन। अब चलिए फटाफट से इसको कनेक्शन देते हैं एक बार और फिर दिखाते हैं आपको पूरा काम करता है कि नहीं। ये मैंने दिया कनेक्शन, अब देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑन है और ये हमारा ऑफ है, जिसकी वजह से हमारा जल नहीं रहा है, तो हम इसको भी ऑन कर दें। देखिए इसको भी ऑन कर दिए और ये भी ऑन, तो बल्ब क्या हो रहा है, जल रहा है। अब हम इस फ्लोर पे हैं हमारे, वहाँ से यहाँ आ रहे हैं, आ गए तो हम क्या कर देंगे, इसको ऊपर बल्ब क्या जाएगा, बुझ जाएगा। हमको फिर से जाना हुआ तो क्या करेंगे हम इसको, ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ से हम चलते हुए चले आएंगे, और जैसे ही हम यहाँ पर आ जाएंगे आने के बाद क्या कर देंगे, इसको इस तरह से बल्ब क्या जाएगा, बुझ जाएगा। तो वायरिंग कुछ इस तरीके से करनी है, एक ही बल्ब होल्डर को आप आराम से ऑपरेट कर सकते हैं, और ये सीढ़ी के बीचों बीच होगा जिससे क्या मिलेगा हमको, रोशनी मिलेगी प्रॉपरली, हम सीढ़ी पर आराम से रात के समय में आ और जा सकते हैं, यानी कि उजाला हमको प्रॉपरली मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से पूरा काम करता है, दिख रहा है ना, तो इसी को हम बोलते हैं सीढ़ी वायरिंग। कहीं कहीं इसको घरों में भी कराया जाता है इस तरह, ठीक है, और काफ़ी सेफ्टी बर्फ नहीं दिख रहा है ना, पूरा जैसे खुला हुआ है, तो सेफ्टी बर्फ से काम करेंगे, मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ, तो उतनी सेफ्टी आपके पास होनी चाहिए, हाथ में ग्लव्स पहन सकते हैं अच्छा रहेगा। इस तरीके से पूरा काम करता है, ठीक है, एक ऑन और दूसरा भी ऑन होगा तो बल्ब जलेगा, पहला ऑफ दूसरा भी ऑफ होगा तो बल्ब जलेगा, एक ऑन और एक ऑफ पे बल्ब नहीं जलेगा, कंडीशन इसकी बस।